आज हम आपका ध्यान एक ऐसी सच्चाई की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। कैसे हम एक भोले भाले मासूम निष्पाप बालक को अपनी अनचाही बिना जाने गलत हरकतों से एकदम भी अहंकारी पुरुष में बहुत छोटी उम्र में बदल देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जानते तो आप सभी हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो सामान्य रूप से नहीं जाता। मेरी बिल्डिंग में एक फैमिली रहती थी, बहुत ही कमिटेड। उनकी पत्नी, पति बाहर नौकरी करते थे, छोटे छोटे दो बच्चों को लेकर के वो अकेली रहती। छुट्टी में वो आ जाते हैं, पूरा दिन स्कूटी से, कभी बच्चे को स्कूल छोड़ना, कभी लड़की को लेके आना, कभी लड़के को लेके आना, कभी घर का सामान लाना, कभी दवाई दिलवाना, मतलब वो पूरी जिम्मेदारी पूरा दिन भागती फिरती। बहुत अच्छी महिला है, मैं उसका बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन दोनों बच्चों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं करती, बहुत प्यार भी करती है। लड़का छोटा है, अक्सर बीमार रहता है, तो थोड़ा सा झुकाव उसके प्रति है, उसको मैं बहुत स्वाभाविक मानती हूँ। पर मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी कि मैं ये कह सकूँ कि वो लड़के को गलत शिक्षा दे रही है या लड़की को गलत शिक्षा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं वो करती। एक दिन क्या हुआ कि उसका लड़का, जो मुश्किल से 6 साल का है, 7 का हो, बस इससे बड़ा नहीं है, बिल्डिंग के बाहर एक लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उससे किसी वजह से उसकी नाइत्तफाकी हो गई। अब गलती किसी की भी रही हो, उस लड़की ने इसको एक झापड़ मार दिया। ये रोता हुआ आया, स्वाभाविक है, माँ को बहुत गुस्सा आया। तो उसने पूछा कि किसने मारा, क्यों मारा, तो उसने कहा वो फला दीदी ने झापड़ मार दिया। तो बजाय इसके कि वो ये कहती कि दीदी ने क्यों मारा, आखिर क्या किया था तुमने, मुझे बताओ, उसने छूटते ही कहा ठाकुर का बच्चा एक लड़की से पिट के आ गया और ऊपर से रोता है औरतों की तरह। मैं वही खड़ी थी, मैं अवाक रह गई। एक क्षण में उसकी सारी शिक्षा, उसकी सारी अच्छाइयां, उसकी सारी आधुनिकता, उसके सारे संस्कार भर भरा कर गिर गए। वो अंदर से निकली एक ठकुराइन जिनको ये दुख नहीं है कि उनका बेटा पिट गया या उनका बेटा दुखी है, उनको दुख ये है कि उनका बेटा एक लड़की से पिट के आ गया जो भले ही उससे 10 साल बड़ी है। लड़का रोना भूल गया, वो जाहिर है उसे भी ये समझ में आ गया छोटी सी उम्र में कि औरत होना कोई बहुत बड़ी गाली होती है, लिहाजा औरतें रोती हैं तो उसको रोना नहीं है, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, और ये बहुत गलत बात है कि उसको एक लड़की ने मारा जबकि वो भले ही उससे कितनी भी पढ़ी हो। ये कैसी शिक्षा है? अगर 10वीं में पढ़ने वाले किसी लड़के ने उसको मारा होता तो माँ पूछती कि बेटा तुमने क्या किया था जो भाई साहब ने तुमको मारा, चलो ठीक है बड़े हैं कोई बात नहीं है हम उनको डांटेंगे। लेकिन यहाँ तो बात लड़की की आ गई थी, ये क्यों नहीं कहा जा सकता था कि वो दीदी हैं, क्या आपने गलती की थी कि उन्होंने मारा, चलिए बड़ी है कोई बात नहीं है। क्यों? हम पुरुष को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, स्त्री का सम्मान करना, चाहे वो कितनी भी योग्य हो, कितनी भी बड़ी हो, नहीं सिखाना चाहते। जब हम अपने बेटे को ये नहीं बता पाएंगे कि जिस प्रकार इस संसार में उससे योग्य लड़के मौजूद हैं जो उससे बड़े हैं, चाहे उम्र में, चाहे योग्यता में, चाहे किसी और वजह से उससे आगे हैं, तो उसे उनको देख करके जलना नहीं है, उनका अनुकरण करना है, उनसे सीखना है, उनका सम्मान करना है। ठीक यही शिक्षा हम अपने बेटे को किसी अपने आगे खड़ी हुई लड़की के लिए, चाहे वो उम्र में बड़ी है, चाहे वो शिक्षा में बड़ी है, चाहे वो योग्यता में बड़ी है, क्यों नहीं सिखा सकते? नतीजा होते हैं
अपने से आगे आने वाली किसी भी औरत को, अपने से योग्य दिखने वाली किसी भी औरत को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उसको उसके औरत होने का एहसास कराने का दम। और उस औरत होने का एहसास कैसे कराया जाता है? तरह तरह से गाली देकर, लांछन लगाकर, एसिड फेंक कर और रेप करके। हम अनजाने में, अनचाहे अपने भोले भाले बालकृष्ण जैसे बालक को एक दुराचारी, दंभी और अनाचारी पुरुष बना देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जरा सोचिए,